हेलो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों, अपने कॉलेज ग्रुप में शेयर करें। तो आज हम बात करने वाले हैं कोस्टल फिशरीज इन इंडिया के बारे में। सिनॉप्सिस की हम बात करें तो पहला है इंट्रैक्शन, दूसरा है जूनेशन ऑफ सी, मॉडिफिकेशन ऑफ डीप सी फिश, एंड चौथा है कोस्टल फिशरीज, पाँचवा रिफरेंस। इंट्रोडक्शन की हम बात करें यहाँ पे तो समुद्र इकोसिस्टम सबसे पुराना और सबसे बड़ा इकोसिस्टम है जिसमें विभिन्न प्रकार की बायोटिक कम्युनिटी पाई जाती है तथा इनका फैलाव कोस्टल शोर्स लाइन से समुद्र की गहराई तक पाया जाता है। समुद्र में रहने वाले जीवधारियों का जीवन, विशेष रूप से वहाँ का वातावरण जैसे कि पानी की धारा, तापमान तथा दूसरे भौतिक कारक पर निर्भर करता है। जूनेशन ऑफ सी विभिन्न जो है क्राइटेरिया के आधार पर जो है हेडस्पेट ने समुद्री पर्यावरण को दो बड़े समूह में विभाजित किया। पहला है पेलेजिक जोन एंड दूसरा है बेंथिक जोन। पहला पेलेजिक जोन की बात करें तो पेलेजिक जोन सतह से कुछ गहराई तक रहता है। इसमें जीव सतह पर स्वतंत्र रूप से तैरते रहते हैं। प्लेजिक जोन के वातावरण नाइट्रेट जोन कर रहता है जिसकी गहराई 200 मीटर तक होती है। नाइट्रिक जोन के बाद ओशियनिक जोन रहता है। ओशियनिक जोन बढ़कर नीचे की ओर वर्टिकली बढ़कर समुद्र की तली तक जाता है जिसकी गहराई 200 मीटर तक होती है। ओशियनिक जोन की सतह से 200 मीटर तक रहता है जिसे एपिपेलेजिक जोन कहते हैं। इस जोन में प्रकाश और ऑक्सीजन अच्छी मात्रा में रहती है। एपिपेलेजिक जोन से नीचे की जो जोन होता है उसमें इसमें प्रकाश कम और तापमान जो है 4 से 8 डिग्री सेल्सियस रहता है तथा भोजन और घुलित ओटो भी कम होती है। तीसरा की हम बात करें तो मॉडिफिकेशन ऑफ डीप सी फिशेज। गुंथर ने गहरे समुद्र में रहने वाली फिशेज में संरचनात्मक तथा कार्यात्मक रूप से निम्नलिखित अनुकूलन का वर्णन किया है। क्योंकि डीप सी फिशेज में समुद्र के वातावरण और गहराई दोनों से संबंधित अनुकूलन पाए जाते हैं। पहला है प्रेडेटरी हैबिट। गहरे समुद्र में के क्षेत्र तक एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ सूर्य के प्रकाश का अभाव होता है, अर्थात सीधे प्रकाश का कोई प्रभाव नहीं होता है। प्रकाश की अनुपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण कम पाए जाते हैं, इसलिए गहरी समुद्री मछलियाँ शिकारी और मांसाहारी प्रकृति पाई जाती हैं। दूसरा जो है वो है स्कैवेंजर्स फीडिंग। गहरी समुद्री मछलियाँ सड़े गले पदार्थों का भोजन भी करती हैं। यहाँ पर तापमान कम होता है, इसलिए मछलियाँ तली के कार्बनिक पदार्थ तथा जो है इकोनोडर्म्स डर्म्स और जो है फोरामिनिफोरा आदि को मिला जुला कर भोजन करती हैं। तीसरा है लार्ज माउथ। गहरी समुद्री मछलियों का मुंह बड़ा होता है तथा इन मछलियों की मुख्य गुहा चौड़ी होती है तथा बहुत अधिक विकसित होती है। दांत में बहुत अधिक मजबूत व नुकीले होते हैं। कोस्टल फिशरीज हम बात करें यहाँ तो इंसियर फिशरीज। पश्चिमी समुद्र किनारा अधिक उत्पादक होता है। पूर्वी किनारे से पश्चिमी किनारे के ओशनिक करेक्टर्स जो हैं मछलियों के लिए ठीक होते हैं। इनमें मौसम चक्र और अधिक फास्फेट और नाइट्रेट तत्व देखे गए हैं। ये परिणाम अधिक प्लैंकटन की उत्पादकता को बढ़ाते हैं। फिशरीज जो है स्टेटिस्टिक्स के अनुसार पूर्वी और पश्चिमी समुद्री किनारों को भारत में 12 क्षेत्रों में बांटा गया है। केरला और साउथ मालाबार, दूसरा है वेस्ट बंगाल और उड़ीसा, तीसरा है बॉम्बे और गुजरात। चौथा है आंध्रा कोस्ट, पांचवा आंध्रा कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट, आंध्रा कोस्ट, कोरामंडल कोस्ट, पैग बे गल्फ और मुन्नार, मालाबार
कोनकान कोस्ट और काठियावाड़ कोस्ट। टाइप्स ऑफ कोस्टल फिशरीज। वर्गीकरण के तरीकों से तटीय मत्स्य पालन को दो भागों में बांटा गया है। पहला है इलास्मोब्रोन फिशरीज। ये मछलियों में 4-5% टोटल मराइन जो है कैचेस में पकड़ी जाती हैं। समुद्री मछलियों में से ये भारत की सबसे अधिक प्रसिद्ध हैं। इनमें ऑयल कंटेंट बहुत अधिक पाया जाता है जो शार्क के द्वारा मिलता है, जैसे रेनकोरन जो है, स्केलिडोन, कार्केरिनस, स्पाइरेना, स्टेजिस्टोमा और हाइब्रस रेस, डेसिस, रेनोपेटेरा, पेरिटेस्ट आदि भी पकड़ी जाती हैं। शार्क यह जो है वेरिसियस कार्निवोर होती है और उसे पूरे वर्ष पकड़ा जाता है, परंतु पीक सीजन जुलाई से मार्च पश्चिमी किनारे पर और मई से जनवरी पूर्व किनारों पर होता है। यह सामान्यतः 45-55 मीटर गहराई तक पाई जाती है। चपटी शरीर वाली रेस भी पिछले जल 4-5 से 7.0 मीटर तक पाई जाती है। टेलियोस्ट फिशरीज। इसकी भारत में बहुत सी प्रजातियाँ पाई जाती हैं। मुलेट्स। रेड और ग्रे मुलेट्स कोस्टल वाटर में बहुत अधिक पाई जाती हैं। रेड मुलेट्स जो है अपेनस जो है सल्फेरस यू विटिटनस और पेरुपिनस इंडिकस से सभी कोस्टस में पाई जाती हैं। ग्रे मुलेट्स जो है मुगली सिफिलस और एम जो है मैक्रोलेपिस है जो कोस्टल रीजन में पाई जाती है। ये सभी मछलियाँ समुद्र जल में जो है एस्टुरियन वाटर में पाई जाती हैं। इनमें लाभ भी अधिक होता है। सार्डिनस जो हैं ये मछलियाँ जो है क्लूपाइड में आती हैं। इन्हें सार्डिनस के नाम से जाना जाता है क्योंकि इनमें तेली तत्व बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। ये मछलियाँ व्यावसायिक तौर पर बहुत महत्वपूर्ण हैं जो डिलीशियस डाइट के रूप में जानी जाती हैं। इनकी प्रजाति जो है प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उदाहरण जो है सोलडिनला लोंगिसेप्स, स्पिबिराटा एस गिब्बोसा और कौलिया तथा कई प्रजातियाँ जो है सार्डिनस की लार्ज सोल्स में पाई जाती हैं या मुँह कर जाती हैं। ये दक्षिणी और पश्चिमी किनारों पर अधिक पाई जाती हैं। पॉम्फ्रेट्स की हम बात करें, ये मछलियाँ जो है फैमिली जो है स्ट्रोमिडाई में आती हैं। ये भारत के दोनों तटों पर पाई जाती हैं। इसमें मुख्य रूप से जो है पेरा स्ट्रोमेटस, नाइगर पी आर्जिनेट्स और पी चिनेसिस आती हैं। ये मछलियाँ स्वाद में अच्छी होती हैं। इनको नवंबर से फरवरी तक जो है नॉर्थर्न भाग में और जुलाई से सितंबर में जो है दक्षिणी भाग में पकड़ा जाता है। प्रेट्स की हम बात करें तो कोस्टल वाटर में पर्चेस जो होते हैं का अपना अलग महत्व ही है। इनमें कई प्रजातियाँ पाई जाती हैं, उदाहरण जो कि आप लेट्स कैलिफर एम्बिसिस ईटीसी, ये बहुत सी मछलियाँ यहाँ पर पाई जाती हैं। बॉम्बे डक की फिशरीज की हम बात करें तो मुंबई डक फिशरीज में एक प्रजाति के द्वारा जानी जाती है। इसे लिजार्ड फिश भी कहते हैं। ये फैमिली जो है सायोडाइड में आती है, उदाहरण जो है हार्पोडन हेरियस से गुजरात महाराष्ट्र के तथा पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी किनारों में पाई जाती है। इसके अतिरिक्त आंध्र उड़ीसा और सुंदरबन में ईस्ट कोस्ट में पाई जाती है। जो यहाँ पे एंकोवाइश, ये मछलियाँ जो है कल्पाइड ग्रुप में आती हैं, जो है एंग्रुलियस जो है मिस्ट्रेक्स ई प्यूमिया और कोइलिया डिसरमियर में जो पश्चिमी तटों पर पाई जाती है। इन मछलियों का जो है कैच मैट 5% किया जाता है। इनको गुजरात अगस्त से दिसंबर तक मालाबार दक्षिण किनारा केरला और मुंबई कोस्ट से पकड़ा जाता है। हिल्सा एलिशा। हिल्सा एलिशा एक महत्वपूर्ण मत्स्य पालन के अंतर्गत आती है। यह अधिकतर नदियों के मुहानों पर पाई जाती है या फिर ब्रैकिश वाटर में भी पाई जाती है, परंतु पूर्वी किनारों पर जहाँ महानदी गोदावरी कृष्णा कावेरी नदियाँ आती है वहाँ पर पाई जाती हैं। जो है मैकरेल, ये भारत की मराइन जो है बोनी फिश है। ऑयल जो है सार्डिनस फिशेस के बाद इनका दूसरा नंबर आता है। इनको अधिकतर जो है तमिलनाडु आंध्रा उड़ीसा कोस्ट से पकड़ा जाता है। इसकी कुछ स्पीसीज जो है इंशियर वाटर में पाई जाती है। इन मछलियों के विभिन्न स्थानों में फ्लक्चुएशन होता रहता है। पूर्वी तट पर जो है मैंडपैम नेगापेट हम चेन्नई कोल यहाँ पे ये पाई जाती है, विशाखापट्टनम में पाई जाती है। जाओ फिशेज की हम बात करें तो
ये महाराष्ट्र के और काठियावाड़ कोस्ट की महत्वपूर्ण नदी है। यह आकार की प्रजातियाँ होती हैं जैसे पिसिडा, एशिना होती हैं, और ये स्मॉल साइज जो है स्पीसीज ओटोलिथस और जोइनस जो है डुशमेरी होती हैं। इससे कुल मराइन कैच का 3.5 से 4.0% तक इस मछली में पकड़ा जाता है। रिबन फिश, रिबन फिशेज जो होती है फैमिली जो है ट्रिकोरियडाई में आती है। उदाहरण के तौर पर आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिक्रियस, हेमेला, टी सलावा सवाला, टी मिथ्युक्स और टी गैंगेटिकस मतलब चेन्नई के कोस्ट पर पाई जाती हैं। सोल फिशेज, सोल फिशरीज भारत में केवल एक प्रजाति है जो जो साइनोग्लोसस जो है सेमी पेसिकेटस है। यह मालाबार केरला दक्षिण किनारा में पाई जाती है। यह सस्ती किस्म की मछली है। पोलिनेमिटिस, ये जो है थ्रेड फिश या इंडियन सालमोन्स के नाम से जानी जाती है। यह मछलियाँ फैमिली जो है पोलिनेमिडाई को बिलोंग करती हैं। तेरा है अल्बुला वेल्पस, इसे समानतः लेडी फिश के नाम से जाना जाता है। ये फिश फैमिली जो है एल्बुलेडिस को बिलोंग करती है। यह जो है विसिनिटी सैंडी कोस्ट में पाई जाती है। ईल्स, ये समानता ईल्स भारत के कोस्टल वाटर में पाई जाती है। यह जो है एंगुला बेंगलिसिस जो है मुरेने हिसॉक्स टाला बोनिट्स और मिसिनेरियस है। इन मछलियों का जो है 0.3 से 0.3% तक कैचमेंट किया जाता है। कैटफिश की बात करें तो कैटफिश जो है कोस्टल फिशरीज को कुछ स्पीसीज फैमिली जो है प्लोटोसाइड और जो है टैकी सुराइड में आती है। 16 की हम बात करें तो हाल्बेक्स फिशेज फैमिली जो है हेमी रिकेम्फीडियाई के ऑर्डर जो है बलोनी फॉर्म्स को बिलोंग करती है। ये भारत के दोनों कोस्ट में पाई जाती है। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। और नोट्स के लिए आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं 7999 7424 9898।